तरह की फिल्म है ये? मीरा माथुर एक ऐसा सिनेमा है, एक औरत के साथ जो बीती हुई उसकी आप बीती है उसकी कहानी। एक शादीशुदा लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हर औरत को एक सम्मान की ज़रूरत होती है, तो उस सम्मान को पाने के लिए उस औरत की एक लड़ाई है और जिसको वो बखूबी जीतती है। उस लड़ाई में वो अपने पति के साथ में उसको लड़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली को लेके, समाज को लेके, और जो एक औरत की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो बखूबी कैसे निभा के जाती है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी औरत को सम्मान नहीं मिल पाता। तो औरत बस एक अपने सम्मान को पाने के लिए ही एक मीरा माथुर की कहानी है, जिसे आप 12 तारीख को, जैसा उन्होंने मैडम ने बताया कि 12 तारीख को आप लोग फिल्म देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। बहुत छोटी कोशिश की है, लेकिन उस्मान सर, रोहित और मोहम्मद मुनव्वर खान साहब, इन सबके सहयोग से फिल्म बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की है। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फिल्म बहुत टाइम के बाद हम लोग बहुत मेहनत करके बाहर तक लेकर आए उस्मान जी की बदौलत से, और आज फिल्म आपके सामने है और 12 तारीख को लोगों की नज़रों के सामने खड़ी होगी फिल्म। सबका प्यार मोहब्बत के साथ फिल्म को देखें और सक्सेस कराने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। सर आप बताइए कि स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई है और क्या रिसर्च करनी पड़ी आप लोगों को इस कहानी के लिए? मेनली पहले तो मैं यही बता दूं कि एक औरत ही औरत का दर्द जान सकती है, कभी मर्द नहीं जान सकता। उसका सबसे बड़ा दर्द होता है उसका औरत होना। जब वो हम इस पे रिसर्च कर रहे थे कि मीरा माथुर एक ऐसी लड़की है जिसमें वो अपने आप को ही ढूंढती है कि क्या मैं वास्तव में कंप्लीट वूमेन हूँ, अगर मैं कंप्लीट हूँ तो एक मेरा हस्बैंड मुझसे पूरी तरह से खुश क्यों नहीं, और मैं ऐसा क्या करूँ कि वो खुश रहे। तो वो लड़की वही महसूस कर सकती है जिसकी लाइफ में ये सब चीज़ें बीती। खुशी राजपूत की फैमिली से कुछ ऐसा रहा, जब हमने स्टार कास्टिंग की तो उनसे बात किया तो कहीं ना कहीं उनकी बैक लाइफ में दर्द था। वो दर्द रहेगा तभी वो समझा पाएगा सामने वाले को कि नहीं प्रॉब्लम तो है, जिसने दर्द ही नहीं देखा वो कैसे समझा पाएगा। मीरा माथुर की जो एक स्टोरी है वो खुद अपनी नहीं है, उसकी इस समाज की स्टोरी। सर और जैसे सर ने कहा कि थोड़ा समय लग गया फिल्म को बाहर लाने के लिए, तो एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंज था लोगों के सामने फिल्म प्रेजेंट करने के लिए? सबसे बड़ा तो कोविड का था। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से रिलीज करने का सब कुछ किया। 20 मार्च को रिलीज थी, सारा डिपार्टमेंट तक हर किसी ने बेहतर काम किया है। और इस फिल्म में देखो प्रॉब्लम्स हर लाइफ में होती है, हम प्रॉब्लम्स को देख के तो हम रुक नहीं सकते। जो भी आया जो गया वो बीत गया, अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे करके हम आगे बढ़ें। और मीरा माथुर है, उसके बाद हमारी एक लखनऊ मेरी जाने को फिल्म और है, और एक फिल्म और है हमारी, तो बैक टू बैक काम है। अभी बुरा वक्त 2020 हम सब लोगों के लिए बहुत बुरा गया है, तो ऊपर वाले की दुआ से हम सब के साथ और मोहब्बत के साथ में हम आने वाले वक्त को अच्छे से गुजारें। और मीरा माथुर की एक सक्सेस के बाद में हमारी लखनऊ मेरी जान है जो बहुत जिसके उसका भी शूट शुरू होने की तैयारी में है, और उम्मीद करेंगे कि सारे लोग वापस से हमें हेल्प करें और सपोर्ट करते हैं। सर आपसे जानना चाहते हैं कितनी कसमकस होती है अंदर जब जो कि हिंदी जो फिल्म होती है एक्टर लीड रोल करता है और हिट होता है, और आपके दिमाग में कितनी कसमकस थी कि आपने एक फीमेल को लीड रोल दिया है? देखिए मैं तो एक ही शब्द कहना चाहूँगा, मैन नॉट कंप्लीट मैन, वुमेन फुल कंप्लीट वुमेन, अगर हम उसको समझते हैं तो। एक आदमी कभी किसी के जज्बात को नहीं समझ सकता जो औरत समझ सकती है, और आप लेडी को समझने की कोशिश करिए तो शायद आपको पूरी दुनिया का सुख उसी में दिखाई देगा। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, और औरत को समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो अच्छे शब्द चाहिए और उसकी मेंटेलिटी चाहिए कि वो तो आपसे चाहती क्या है। वही चीज़ सोच के हमने मीरा माथुर को सुना। कौन तो सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा प्रोड्यूसर जी का, जिन्होंने इस लाइफ मुझे समझा, इस फिल्म में ऐसा किरदार उसे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म ये है लखनऊ में, बेसिकली लखनऊ के कल्चर को बेस्ड है, लखनऊ की तहजीब, वहाँ का खाना, वहाँ की इमारतें, वहाँ का जो
एक हिस्ट्री है वहाँ की, जो इतिहास है वहाँ का, उस चीज़ को हम कैमरे पर लेके आ रहे हैं इस फिल्म के जरिए। उसमें एक अहम किरदार है मेरा, उत्तर प्रदेश के एक शहर का है बनारस का, बनारस आता है नौकरी करने, बनारस से लखनऊ आता है, और वहाँ की चकाचौंधर, वहाँ की जो तहजीब तमीज, वहाँ की जो खान पकवान है, वहाँ की जो टेस्ट है, उसको देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। उसको मतलब एक इन्वायरमेंट जो है अपने घर के ऊपर से जो बाहर आता है ना, वो चीज़ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वही एक मौज मस्ती लखनऊ की तहजीब, खाना पीना वहाँ। मैम भी आपसे चाहूँगा आपके कंटेंट क्रिएट के बारे में क्या रोल है और कितना उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मीडिया एंड माई सेल्फ फील, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी का नाम है लखनऊ मेरी जान, तो ये सारी फिल्म लखनऊ पे बेस्ड, इसके कल्चर पे। और सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर जी का थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस फिल्म में चांस दिया है, तो आई होप कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूँ और सभी को ये फिल्म पसंद आए। और ये पूरी फिल्म कॉमेडियन है, तो इसमें कॉमेडियन प्लस वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो खाना रहन सहन एवरीथिंग, इसके जरिए हम लोगों तक दिखाएंगे कि लखनऊ में क्या है, क्या कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या वहाँ का खाना है, तो ये सारी चीज़ें हम उसके फिल्म के जरिए हम आप तक पहुँचाएँ। लेकिन सर आपसे चाहूँगा पहले जो प्रोजेक्ट किए हैं, क्या आपका बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में बताइए? बिल्कुल, इसके पहले मैंने 5 म्यूजिक एल्बम किए हैं, एक वी कोरियर के लिए किया है, एक जी चैनल के लिए किया है, और 7 शॉर्ट फिल्में किए हैं एज ए इंडिपेंडेंट लीड रोल है। म्यूजिक एल्बम के अलावा जो शॉर्ट फिल्में की हैं उसमें मैंने अलग अलग कैरेक्टर को भी प्ले किया है। एक शॉर्ट फिल्म में मैंने एक पंजाबी का भी रोल किया है, एक गाँव के देहाती का भी रोल किया है, एक मुस्लिम नवाब का भी रोल किया है, और एक दिल्ली के एक मॉडर्न लड़के का भी रोल किया है। एक ही फिल्म में चारों कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक टाइम पे हम कैसे अपने माइंड से, अपने अभिनव से उसको बदल सकते हैं। आज भी फैमिली कितनी भी मॉडर्न हो जाए तो कोई गंदी फिल्में अपनी फैमिली के साथ, तो इसलिए मैं मेरा अपना सोचना है कि फिल्म साथ होनी चाहिए, इंटरटेनर होना चाहिए, लोगों को एक मैसेज होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम यूनिटी या जिंदगी के जरिए ही मैसेज दे सकते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ये सोच मैं किसी पे लादना नहीं चाहती, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि एक अच्छा, क्योंकि अभी हमें जितनी 10 फिल्में बनाई 10 रिलीज हुई हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। एक फिल्म अभी मेरी कम्प्लीट है, ये होती है वो भी कंप्लीट है, उसके बाद मेरी फिल्म मेरी जा रही, तो मैं फैमिली टाइप काम करता हूँ, आगे भी करूँगा। और ये फिल्म जैसा कि नाम से जाहिर है, ये है लखनऊ मेरी जान, तो इसमें मेरे ख्याल से कहानी लखनऊ की होगी, तो लखनऊ में जो होगा तहजीब के अंदर ही हर चीज़ दिखाया जाएगा। थोड़ा सा अगर पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या तैयारियाँ की आपने? लखनऊ मेरी जान जैसी नाम है तो वैसी मूवी भी होगी, वैसा कॉन्सेप्ट भी है। लखनऊ मेरी जान यानी हंसा हंसा के आप लोगों की जान निकालने का पूरा इरादा है, और कॉन्सेप्ट भी इतना मजबूत है। और मेरी तो यही दुआ, यही कोशिश है कि हम लोग जी जान लगा के इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है उसको 100% दें और ये सक्सेस हो। बस आप